हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने एक सेशन का रिकॉर्डिंग डाला था एंड ये हमारा सेकंड सेशन है। ठीक है, सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम्स। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग एनी ऑफ दिस एग्जाम्स लाइक कैट, जेड, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, टिस, सीमैट, सीटी, आईबीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सेकंड थिंग इज गाइस, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, एंड डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 5th, और मैंने बोला था आप लोग इसको किसी और तरह से कर सकते हो क्या, आपको वो सोचना था। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th से। सो दिस वॉज द क्वेश्चन गाइस, ये था हमारे पास क्वेश्चन। देखते हैं जरा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ ₹2800 इज 420। ठीक है, मतलब 2800 रुपए पे जो अपन लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मिला 3 साल बाद, वो कितना मिला? 420 मिला। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3200? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3200 फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट? ठीक है, अगर हमारा पीरियड भी सेम है और हमारा रेट भी सेम है तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है कितना होगा। बच्चे बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए निकालना, आप लोग कुछ नहीं करना, जो हमारे प्रिंसिपल का रेशो है उसी रेशो में हमारा इंटरेस्ट होगा। दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल का रेशो, अगर मैं यहां पे रेशो निकालता हूं इन दोनों का, 2800 और 3200 का, तो इनको रिड्यूस करूंगा तो ये आ जाएगा 7/8। तो 7/8 के रेशो में ही हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट एस आई है तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो 7/8 होगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से। ठीक है, तो 7/6 = 42 होता है। ठीक है, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 480। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 480। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। सिंपल सी बात ये थी, 2800 पे 420 इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो 420 2800 का, तो सेम पीरियड है और रेट भी सेम है, तो 3200 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आप लोग ऐसे लिख के भी इसको कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, 2 0 से 2 0 उड़ा देना। ठीक है, एंड यहां पर आएगा 8, यहां पर आएगा 7 से इसको उड़ा, यहां पर आएगा 60 into 8 इंटरेस्ट आ गया 480। ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या ऐसे कर लो, बट ये मेथड आपको तभी लगाना है अगर आपका टाइम पीरियड भी सेम है और रेट भी सेम है। ठीक है, प्रिंसिपल अलग अलग हुए थे जिसकी वजह से डेफिनेटली इंटरेस्ट हमारा अलग अलग आएगा ही आएगा। ठीक है, आई होप इस बात में तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसकी कंडीशन है ये। अब बच्चों को पता होता क्या है, उनको एक कंडीशन तो समझ में आती नहीं है, उन्हें कहा सर ने ऐसा बताया था ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। अगर टाइम पीरियड और रेट सेम है तभी ऐसा होगा। क्वेश्चन को समझो, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए है ये। अगर कल को क्वेश्चन कुछ और आएगा, रेट बदल गया या टाइम पीरियड बदल गया, तब चीजें बदल जाएंगी भाई। ठीक है, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जरा, ये एक इस सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, देखते जरा इनको, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी will amount to ₹520 in 5 years and ₹568 in 7 years. ठीक है, कुछ हमारे पास सम है। ठीक है, हाँ, मतलब मान लो वो इंटरेस्ट, इनिशियली हमारे पास सम कितना है? P है। ठीक है, what sum of money will amount to 520 in 5 years? तो after 5 years, ठीक है, 5 साल बाद ये कितना हो गया? 520 हो गया, and to ₹568 इन 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स में वो 568 हो गया। ठीक है, 5 साल में पी से वो 520 हुआ, 7 साल में वो पी से 568 हो गया। ठीक है, तो 5 साल बाद ये, और अगले 2 साल बाद, और 2 साल बाद वो कितना हो गया? 568 हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहां से 5 साल बाद इतना और 2 साल बाद वो इतना। ठीक है, हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है जरा देख लेते हैं। ठीक है,
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को बताना है कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, देखते हैं जरा। आपको पता है ये इनिशियली पी था, पांच साल बाद ये 520 हो गया, इट मींस प्रिंसिपल में पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ तो 520 हो गया, फिर 520 से हो गया 568, तो 520 से 568 हुआ तो इसमें दो साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ, और वैसे वैल्यू कितना ऐड हुआ है 48, ठीक है। दो साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही मान लेते हैं, एक साल के सिंपल इंटरेस्ट को कितना मान लेते हैं, ऐसा ही मान लेते हैं, तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2SI, और जिसका वैल्यू कितना आ रहा है 48 आ रहा है, क्योंकि यार इंटरेस्ट का ऐड हुआ है ना, बाकी चीजें तो सेम है, 520 से कोई चीज 568 हो गई, तो इसमें क्या हुआ है, दो साल का सिंपल इंटरेस्ट तो ऐड हुआ है ना, पांच साल बाद वो 520 बन गया, सात साल बाद 568 हो गया, तो यहां पर इन दोनों में दो साल का डिफरेंस है, और पैसे में कितना डिफरेंस है 48, तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 48, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 24, आया ना, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 24, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो अब मुझे बताओ, प्रिंसिपल में और 520 में पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट तो ऐड हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम रहता है अगर हमारा रेट सेम हो, और क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया कि रेट चेंज हुआ है, ठीक है। यदि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 24 इंटू 5 विच इज 120 होगा, है या ना। तो किस नंबर में 120 ऐड करने के बाद 520 बनता है, किस नंबर में 120 ऐड करने के बाद 520 बनता है, तो वो नंबर है 400, ठीक है। यानी कि हमारा प्रिंसिपल 400 था, 400 पांच साल बाद 520 हो गया, और दो साल बाद 568 हो गया। तो मैंने अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से की थी कि दो साल का सिंपल इंटरेस्ट 48 है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 होगा, अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 24 इंटू 5 विच इज 120, ठीक है। पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 120 होगा, ठीक है। हमें ये बताओ, ये जो 520 है इसमें पांच साल का सिंपल इंटरेस्ट एडिड है क्योंकि प्रिंसिपल के पांच साल बाद, तो इसमें से 120 माइनस करूंगा तो 400 आ जाएगा, प्रिंसिपल 400 है, एक साल का इंटरेस्ट हमारे पास 24 है, तो उसने हमसे पूछा क्या है, ऑल्सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम भी पूछा है तो सम तो 400 है वो, ठीक है, वो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 400 था, तो 400 इस वाले ऑप्शन में भी है, इस वाले ऑप्शन में भी है, ये दोनों ऑप्शन तो अभी बाहर हो गए, ठीक है। हाँ, 400 पे इंटरेस्ट कितना मिलता है एक साल में 24, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देयर इज अ इंटरेस्ट ऑफ 24 ऑन 400, टू फाइंड द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, जस्ट सॉल्व दिस गाइस, इसको सॉल्व कर लो, यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 6% आ जाएगा, 406% इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 406% इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बताइए जरा यहां तक की स्टोरी आई होप आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। हाँ, तो ये एक इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने करा दिया, मैं कोशिश करता हूं सारे के सारे टाइप्स कवर कराने की, ठीक है, कि कोई भी टाइप रहना जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजिली कर लो, यही मोटिव रहता है यूट्यूब पे वीडियोस डालते टाइम, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन, ठीक है। हाँ, देखो जरा, एक्चुअल में दिस इज 3/1/2, दिस इज नॉट 31/2, दिस इज 3.5 ईयर्स लिख लीजिए या 3/1/2 लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज इन 3.5 ईयर्स लिख लो इसको, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है, देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। इसको देखते हैं जरा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 756 इन 2 ईयर्स एंड 873 इन 3.5 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है। लेट द इनिशियल सम बी पी, हमारे पास इनिशियल पी था हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो दो साल बाद कितना हो गया 756 हो गया, तो प्रिंसिपल में दो साल का सिंपल इंटरेस्ट एड हुआ, प्रिंसिपल में दो साल का सिंपल इंटरेस्ट एड हुआ तो कितना हो गया हमारे पास 756, इंटरेस्ट ही तो ऐड होता है ना, ठीक है। फिर 756 में आफ्टर 3.5 इयर्स वो 873 बन गया, इसमें डेढ़ साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ, इसमें डेढ़ साल का और सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ
तो ये बन गया हमारे पास 873। बताओ जरा, प्रिंसिपल में दो साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ तो 756 बना, 756 में डेढ़ साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ तो 873 बना। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना है तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ऐसे ही तो निकलता है ना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो मैं कोशिश करूंगा यहां से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने का और प्रिंसिपल निकालने का, क्योंकि दीज आर द टू कंपोनेंट्स जिनके बेसिस पर मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने हर क्वेश्चन में यही किया है, ठीक है, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 24 था, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 24, प्रिंसिपल 400, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही काम अपने को यहां पर करना है, ठीक है। देखो जब मैं यहां से स्टार्टिंग करूंगा, 756 से 873 बन गया डेढ़ साल बाद, तो कितना ऐड होता दिखाई दे रहा है इसमें, जल्दी से बताओ। इसमें ऐड होता दिखाई दे रहा है मुझे 117। तो ये जो 117 है ये डेढ़ साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो 117 है ये 1.5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1.5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 117 है, तो देख लो जरा 1.5 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 117 है। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 2, 3 से काटा, यहां पर आएगा 39, ये उधर जाएगा, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 78। बताओ जरा, हाँ यहां तक की बात क्लियर है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारे पास, 78 आ रहा है, ठीक है। चलो यदि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 78 है तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल में दो साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ तब जाके 756 बना। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 78 है तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 78 into 2 विच इज 156 होगा। दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 156 होगा, ठीक है। तो इसमें से प्रिंसिपल में दो साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो 756 बना, तो दो साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 156 है। तो यदि मैं इसमें से 156 माइनस कर देता हूं, प्रिंसिपल बन जाएगा, तो इसमें से आप लोग 156 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 600। हमारा एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 78। हमारा प्रिंसिपल आ गया 600, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 78। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वन ईयर इज 78, प्रिंसिपल 600 है, तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इससे रिड्यूस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13%, विच इज इन ऑप्शन डी, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन डी, 13% इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो कुछ पैटर्न हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सिमिलर पैटर्न था जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है। यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पर है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज लेंड पार्टली एट 8% एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनम, इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द टू पार्ट्स आर, ठीक है। अ सम ऑफ 10,000 इज लेंड पार्टली एट 8% एंड द रिमेनिंग एट 10% इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, ठीक है। मतलब कहने की बात पता क्या है, हमने 10,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हम लोगों ने 10,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और पहले पार्ट पे जो इंटरेस्ट था वो हमारा 8% था, दूसरे पार्ट पे जो हमारा इंटरेस्ट था वो 10% था। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, दोनों पे ईयरली कितना आया, 9.2 आया, द टू पार्ट्स आर, वो दोनों पार्ट्स कितने कितने के हैं। देखो द बेस्ट वे टू डील दिस क्वेश्चन इज यूज एलिगेशन, ठीक है। मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने एवरेज मिक्सचर एलिगेशन वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप चैनल में जाओ और चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे तो वहां पर आपको एलिगेशन सेशन नंबर 1, एलिगेशन सेशन नंबर 2, एलिगेशन सेशन नंबर 3, तीन सेशंस मिलेंगे। उनको देखने के बाद आपको इस लेवल पर क्लैरिटी हो जाएगी कि एलिगेशन कितनी जबरदस्त चीज है।
एलिगेशन इज द ओनली टॉपिक जो हमारा परसेंटेज में भी यूज होता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी यूज होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज होता है, टाइम एंड वर्क में भी यूज होता है, इवन सिंपल इंटरेस्ट में भी यूज होता है। ठीक है, बहुत ही काम की चीज है, आपको देखनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर हम लोगों को इसको वेरिएबल से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी पहले एक बार एलिगेशन से बताना चाह रहा हूं इसको। ठीक है, देखो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट को उसने कितने रेट इंटरेस्ट कितने उस पर लगाया था, 8% पर। ठीक है, दूसरे पार्ट को कितने पे लगाया था, 10% पर। ओवरऑल उसको कितना मिला, 9.2% मिला। आया ना, पहले पार्ट को 8% पर, दूसरे पार्ट को 10% पर, ओवरऑल उसको 9.2% इंटरेस्ट मिला। क्यों ना हम लोग यहां पर एलिगेशन लगा लें। ठीक है, पहले पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, दूसरे पार्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, तीसरे ओवरऑल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिला। इनका डिफरेंस लो, यहां पर कितना आएगा, 0.8 आएगा। इनका डिफरेंस यहां पर कितना आएगा, 1.2 आएगा। इनको रिड्यूस करा तो कितना है हमारे पास, 2:3 आया। इनको रिड्यूस करा तो हमारे पास कितना है, 2:3 आया। तो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट का जो रेशो आ रहा है वो 2:3 है। पहले पार्ट और सेकंड पार्ट का जो रेशो आ रहा है वो 2:3 है। ठीक है, तो 10,000 को 2:3 में ब्रेक कर दो, 10,000 को 2:3 में ब्रेक कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,000 और 6,000 हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, दिस इज यूजिंग एलिगेशन। ये मैंने एलिगेशन का यूज किया। एलिगेशन का यूज करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन कितना इजी हो गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये है, अगर किसी बच्चे को एलिगेशन नहीं पता, ठीक है, वो तो परेशान हो गया होगा। ठीक है कि यार ये पता नहीं सर ने क्या किया है। पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर ये दे देता हूं कि दिस इज द बेस्ट वे, इससे तगड़ा शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर हमें इसको वेरिएबल से करना है, भाई हमने 10,000 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहला पार्ट हमारा एक्स, दूसरा पार्ट हमारा वाई। ठीक है, तो अब एक्स पे भी कितना रेट था हमारे पास, एक्स का रेट कितना था, 8%। एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8%। टाइम कितना, 1 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। फिर दूसरा हमारे पास वाई था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, 10%। टाइम हमारे पास कितना था, 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 9.2% मिला। तो व्हाट इज द 9.2% ऑफ 10,000, इसका 9 कितना आएगा हमारे पास, 92 आएगा, सॉरी 920 आएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन रही है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है, x plus y is equals to 10,000। तो क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें। एक तरीका हमारे पास ये है, बहुत ही बकवास तरीका है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही बकवास तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप 100 को उधर ले जाओगे तो 9,200 बनेगा, 92,000 बन जाएगा। इधर 8x 10y है, फिर इनको सॉल्व करोगे, मतलब वो क्लास 10th में होता था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी एक सब्स्टिट्यूशन लगा लोगे। एक्स को आप लोग 10,000 - 5 बोल देना, यहां पर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन में तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेगा, उसको पता है दो चीजें मिलाई जा रही है। जब भी दो चीजें मिलाई जाती है तो एलिगेशन का सपना आना चाहिए। ठीक है, 10,000 को दो पार्ट में ब्रेक किया, पहला पार्ट को 8% में इन्वेस्ट किया, दूसरे पार्ट को 10% पर, ओवरऑल 9.2 इंटरेस्ट मिला। तो एलिगेशन लगाया 0.8, 1.2, 2:3। 10,000 को 2:3 में डिवाइड कर दो, 10,000 2:3 में डिवाइड कर दो, तो 4,000 और 6,000 आ जाएगा। तो दोनों पार्ट्स हमारे 4,000 और 6,000 के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए जरा। रीड कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं बता देता हूं। अ मैन लेंड 60,000 पार्टली एट 5% इंटरेस्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 25640, द मनी लेंड एट 4%। ठीक है, टोटल विद ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ट्राई करते हैं जरा। ठीक है, हाँ देखो, उसने टोटल 60,000 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, एक बार ऐसे देख लेते हैं, टोटल 60,000 इन्वेस्ट किया है 5% पर, एक पार्ट इसमें से 5% पर, एक पार्ट इसमें से 4% पर। द मनी लेंड एट 4%, तो हमें ये 4% वाले ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4% और 5%। अगर 4% पर उसने 40,000 इन्वेस्ट किया है तो टोटल 60,000 था, यहां पर कितना इन्वेस्ट किया होगा, 20,000। 40,000 का 4% कितना आएगा, 40,000 का 4% कितना आएगा, जल्दी से बताओ जरा कितना आएगा हमारे पास। दिस इज 1600,
आएगा 4% ऐसे निकाल लेना, तो फील लेके 4% ऑफ 40,000 ऐसे निकाल लेना, ठीक है। सो दिस इज 1600। 5% ऑफ 20,000, 5% ऑफ 20,000 कितना आएगा, देखो ऐसे 5% ऑफ 20,000 1000 आएगा, ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें। तो ओवरऑल हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहां पर, 1600 और 1000, 1600 और 1000 कितना होता है, 2600 होता है। बट इसके अकॉर्डिंग कितना था ये, 25640 था, पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, एंड फिर अगर हमारा एक पार्ट 44,000 है, दूसरा हमारे पास 16,000 होगा। अगर एक पार्ट हमारे पास 44,000 है तो दूसरा 16,000 होगा। 44,000 का हमारे पास 4% कितना होगा, ये 4% वाला है ना, ये 5% वाला है, ठीक है। इसका 4% कितना होगा, 1760 होगा, ठीक है। ऐसे निकाल लेना 4% ऑफ 44,000, 20 से 20 उड़ा देना, दिया जाएगा इतना। एंड 5% निकाल देना इसका, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ऐड करके 17 और 18 आएगा, 2560 आएगा, ठीक है। 2560 होता ना ये, तब हमारे लिए आंसर निकालना बड़ा इजी हो जाता है इसका, ठीक है। 2560 होता तो इसमें करेक्शन कर लो, दिस वॉज 2560, इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता ये। अगर ये 2560 होगा तब जाके इसका आंसर 44,000 आएगा, क्योंकि आंसर की में इसका आंसर 44,000 है, ठीक है। तो ये टाइप हो था इसमें यहां पर, ठीक है। और अगर ये इसका आंसर है तो फिर हम लोग एलिगेशन भी लगा सकते हैं, मतलब यहां पर 2560 आएगा, ठीक है, यहां पर 2560 आएगा। 2560 इंटरेस्ट मिला ऑन 60,000, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इससे उड़ाएंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 6 से उड़ाना जरा, मतलब 256 बाय 60 आ रहा है हमारे पास, इसको एज इट इज रहने दो चाहे, ठीक है। एक पार्ट पर हमें 5% इंटरेस्ट मिलता है, 1% एक पे 4% इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम इसको यहां से सॉल्व करें तो दिस इज 256 बाय 60, ठीक है। 256 बाय 60 को सॉल्व कर लो, कितना आएगा जरा, ठीक है, 256 बाय 60, 256 बाय 60 विच इज 4.26, विच इज 4.266 आ रहा है, ठीक है। इनको माइनस कर देना, 4.26 में इसको आएगा 0.266 आएगा यहां पर ये, और 5 में से माइनस कर देना इसको, ठीक है। सो आएगा हमारे पास 0.73 आएगा, इनका रेशो ब्रेक करना पड़ेगा फिर हमें उसमें, ठीक है। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब इस क्वेश्चन में एरर था, समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। यहां पर 25640 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 2560, 2560 को फिर हम लोग ऑप्शन से सेटिस्फाई करके 44,000 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 44,000 पे अगर 4% इन्वेस्ट किया है तो इतना आएगा इंटरेस्ट, बचा हुआ 60,000 में से 44,000 तो चला गया, 16,000 को हम लोगों ने 5% पे इन्वेस्ट किया तो इतना आ रहा है, ठीक है। एंड दोनों को ऐड करा हम लोगों ने तो 2560 आ रहा है, ये एरर थी इसमें, ठीक है, तभी वो इतना टाइम बर्बाद हुआ उसमें। 6,000 बिकम 72,000 इन 4 इयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 6,000 बिकम 7200 इन 4 इयर्स, 6,000 से ये बन गया हमारे पास 7200 इन 4 इयर्स, ठीक है, 4 साल में 6,000 से बना 7200 इन 4 इयर्स, ठीक है। तो 1200 रुपए इंटरेस्ट मिला 4 साल में, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 300 होगा, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years, ठीक है? अच्छा, तो रेट निकाल लेते हैं कितना है? ये देखो, 300 रुपए इंटरेस्ट मिलता है 6,000 पर एक साल में, ठीक है? So 300 रुपए इंटरेस्ट मिला 6,000 पर, to find the percentage we need to multiply by 100, ठीक है? कितना आ रहा है? 5% आ रहा है, ठीक है? This was our old rate, इसको 1.5 से multiply कर दो, तो हो जाएगा 7.5%. तो 7.5% हमारे पास न्यू रेट हो गया, ये हमारा न्यू रेट हो गया, इसका 1.5 टाइम्स करना था ना। इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर, प्रिंसिपल तो हमारे पास 6,000 ही है, ठीक है, 5 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट 7.5, तो 5 साल का कितना होगा, ठीक है, 7.5 × 5, सो विच इज 37.5%, निकाल लो इसका कितना आएगा, ठीक है, हाँ, 37.5% निकाल देना इसका कितना आएगा, या 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, या तो ये काम कर लो,
या सीधा सीधा एक काम आप लोग और कर सकते हो, इस एक साल का इंटरेस्ट 300 है, एक साल का इंटरेस्ट 300 आया था। अगर आपको ये सब काम नहीं करना है, अगर रेट 1.5 टाइम्स हो रहा है तो इंटरेस्ट भी तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, एंड इसका 1.5 टाइम्स कितना होगा, 450 होगा। बट अब नया टाइम 5 साल के लिए है, तो 450 × 5 दिस इज अवर न्यू इंटरेस्ट, ये कितना आएगा हमारे पास, 2250 आएगा। तो 2250 नया इंटरेस्ट है हमारा, तो 6000 में 2250 ऐड कर दो, 8250 बन जाएगा, ठीक है। या सीधा सीधा 37.5% 6000 का निकाल लो, फिर उसको 6000 में ऐड कर देना, ये भी एक तरीका है। बट मेरा मानना है, अगर हम लोगों ने पहले एक साल का इंटरेस्ट निकाल लिया जो कि 300 आया है, इसी को 1.5 टाइम्स कर दो ना, रेट अगर 1.5 टाइम्स हो रहा है तो इंटरेस्ट भी तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर रेट 1.5 टाइम्स हो रहा है, अगर रेट 1.5 टाइम्स हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा। इसका 1.5 टाइम्स कितना होगा, इसका 1.5 टाइम्स कितना होगा, 450 होगा, 450 एक साल। बट अब नया टाइम 5 साल के लिए है, तो 5 साल का इंटरेस्ट इतना होगा। तो अमाउंट पूछा उसने, अमाउंट कितना होता है, सम प्लस इंटरेस्ट, सम 6000 था, 6000 में 2250 ऐड कर दो, 6000 में 2250 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 8250, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ चलिए,